हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ सैलेड वाला रायता। सैलेड वाला रायता बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही लिया है, उसको मैंने फेंट लिया है विस्कर की हेल्प से। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है। और ये मैंने दो मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे ही मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने खीरा ली थी दो मीडियम साइज़ की, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्च ली थी, इन्हें भी चॉप कर लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा लिया है, इसको मैंने पीस लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। तो चलिए अब हम रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये चॉप किया हुआ खीरा ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी। और लास्ट में मैं इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप इसमें चुकंदर, गाजर, आपको जो भी सैलेड पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये चाट मसाला ऐड कर दूंगी, जो मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया था ये ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपको नमक चाहिए वो इसमें ऐड कर दें। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दें। अभी पूरा जीरा पाउडर अभी नहीं डालना है, अभी थोड़ा सा ही डालना है। इसे आप मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए हमारा रायता बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का जो हमने पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे इस तरीके से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में। और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा रायता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।